करीब जी पहले तो इसमें तो किलो दो किलो फूल निकलते थे पूरे खेत में हाँ हाँ। जब शुरुआत हुई तब ठीक है, है लेकिन उसका भी अवसर देखे कम से कम एक लाख रुपया का खेत दे दे चुका तीन बी में हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू देशपाल ब्लॉग और आज दोस्तों मैं एक खेत में आया हूँ जहाँ पे आप देख रहे होंगे गुलाब है दोस्तों ये ये गुलाब की खेती है दोस्तों ये देखिए कितना सुंदर है और हम सभी गुलाब यूज करते हैं पूजा में भी जाता है दोस्तों और मतलब समझ रहे हैं ना प्रपोज करने के लिए भी यूज करते हैं दोस्तों तो फाइनली हम इस खेत में आए हैं और अब जो है ये किसान लोग भी इसको करने लगे हैं दोस्तों जो धान वान लगाते थे क्योंकि जिस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है उसको करते हैं ये लोग तो वही दोस्तों इनसे पूछते हैं भाई कब लगता है क्या सीजन है इसका और कितनी पैदावार है वही मेरा मोटिव रहता है आप लोगों को बताऊँ तो फाइनली दोस्तों और सुरक्षा का बहुत बड़ा विषय है दोस्तों सुरक्षा की है कि मतलब जो लील गाय होती हैं और जो गाय होती हैं जानवर हो गए खरगोश बहुत सारे ये पत्तियाँ खाते हैं तो भाई हर आदमी चाहता है कि हमारा नुकसान ना हो तो बचाने के लिए आजकल एक ट्रेंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि धोखा लगाते हैं धोखा भी लगा हुआ है वो सक्सेस नहीं हुआ तो कुछ और चीज़ें आ गई हैं अब जो है ये लोग कुछ ऐसा वायर वगैरह लगा देते हैं ये खैर कटीला वायर नहीं है देख रहे होंगे ये वाला वायर है दोस्तों ये देखिए तो ये चारों तरफ लगा देते हैं दोस्तों बाकी हम इन्हीं से पूछते हैं और मैं गुलाब की खेती में आया हूँ आपको दिखाई चुका हूँ बाकी पूछते हैं हमारे जो किसान भाई हैं तो बुलाते हैं बेटा किधर है हाँ बुलाओ जरा पापा को अपने तो वो अभी बैठे हुए हैं और ये दोस्तों इन्हें इधर वो लगा रखा है दो का ये आ रहे हैं हमारे किसान भाई तो दोस्तों किसान भाई हमारे आ चुके हैं और इनसे पूछते हैं भाई क्या देख रेख है और कैसी पैदावार है और कब लगाई जाती है दोस्तों और इस क्षेत्र में और भी लोगों ने करने की कोशिश करी थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुए तो इन्होंने जो है दोस्तों ये सक्ष, ये सक्सेसफुल हुए हैं इसमें तो अच्छा राम 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 तो, तो मैं ये कह रहा हूँ जे कब लगाई जाती है ये ठंड के मौसम में लगाई जाती है जैसे अघहान है पूस है ये महीनों में लगाई जाती है अघान पूस मतलब जैसे अघहान पू दिसंबर जनवरी दिसंबर दिसंबर जनवरी जनवरी अच्छा अच्छा तो कैसी पैदावार है इसमें इसकी पैदावार तो बहुत अच्छी है इसमें बहुत कम फूल आते हैं जब साल हुआ है हा, हा, हा। जितने दिन बढ़ते जाएंगे उतनी पैदावार इसमें बढ़ती जाएगी अच्छा 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 करीब करीब पहले तो इसमें तो किलो दो किलो फूल निकलते थे पूरे खेत में जब शुरुआत हुई तब ठीक है लेकिन उसका भी औसत देखे कम से कम एक लाख रुपया का खेत दे चुका है तीन बीघे में तीन एक लाख लाख रुपया दे चुका है अच्छा अच्छा तो कितने समय से कर रहे हो ये काम ये एक साल हुआ है पहली बार मैंने की है ये अच्छा, एक साल हुआ है पहली बार, की पहली बार की है तो क्या देख रहे रेख मतलब इसकी इसकी देख रहे रेख और कुछ नहीं है कोई जानवर नहीं खाता है नील के का नुकसान करते हैं अच्छा अच्छा और मतलब वैसे क्या जैसे मतलब वैसे इसकी निराई गुड़ाई है इसमें दूसरा फायदा ये है कि हम जानवर पालते है ये घास काम आती जानवरों के है अच्छा अच्छा हाँ इसमें दूसरा फायदा ये है अच्छा मतलब ये घास में भी चलता है मतलब इसे नराई ज्यादा जरूरत है ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी नराई लड़ाई तो होनी चाहिए अच्छा अच्छा लागत डीपी लगाते हैं या कैल्शियम लगाते हैं हाँ। यूरिया फ्यूरिया हाँ। नहीं लगती इसमें लागत मतलब खर्चा कैसा है लगातार लगात का खर्चा ऐसा है एक कट्टा में तीन बार में लगाते हैं यानी दस पंद्रह दिन के अंतर से अच्छा अच्छा और लेके कहा जाते है उसे बेचने देवचरा मंडी आते हैं मंडी बरेली मंडी वगैरह बरेली नहीं जाते हैं मंडी में सही है हाँ, मिल जाता है हाँ, अच्छा अच्छा चलिए तो दोस्तों ये रही जानकारी और आ, सुरक्षा के लिए इतने कुछ दोस्तों जुगाड़ कर रखी है नीलगांव के लिए मैंने ये तार लगा दिया करंट मशीन लाए हैं अच्छा अच्छा इसमें करीब सात हजार रुपए खर्चा आया अच्छा और कोई नुकसान तो नहीं किसी कोई नुकसान नहीं इसको कोई खाएगा नहीं कोई जानवर नहीं खाएगा इसमें कोई घुसेगा नहीं अच्छा अच्छा ना मतलब जैसे जानवर जैसे करंट लगता है ये भी खैर करंट कोई नुकसान नहीं होगा खाली झटका लगता है जानवर भाग जाता है अच्छा अच्छा चलिए दोस्तों चलिए ये भी खैर ज्यादा रिस्की नहीं है खाली ये है थोड़ा झटका लगेगा और वही है दोस्तों तो जानकारी कैसी लगी ठीक है अच्छा अच्छा राम राम ठीक राम राम। है राम राम तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों ज़्यादा से ज्यादा शेयर करें